हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरीद स्पेशल कलेजी की रेसिपी। क्योंकि बकरीद आ रही है तो बकरीद पर हम सबसे पहले कलेजी ही बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 kg कलेजी ले ली है। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके नमक हल्दी में इसका पानी ड्राई कर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमें कौन कौन से मसाले चाहिए। ये मैंने कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। ये है 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर एंड 1 pinch ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। ये मैंने 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी ले ली है। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 से 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 सिनेमन स्टिक, 2 से 3 तेज पत्ते ले लिए हैं। ये मैंने 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ये मैंने 2 प्याज मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। इसको बनाने के लिए कुकर फ्लेम पे रख दिया है। इसमें 4 tablespoon मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल मेरा हीट हो गया है तो चलिए इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले। गरम मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को हम फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनियन जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। इसमें हल्दी नमक भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्दी नमक ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर्ड मसाले। मसाले ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 glass वाटर। अच्छे से मिक्स करके इसको इसका प्रेशर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, पानी ऐड करने के बाद अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कुकर का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम कुकर को खोल लेंगे और देख लेते हैं कि कलेजी गल गई है कि नहीं। कलेजी जो है गल गई है, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसको फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको तेज फ्लेम में हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और ये धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। कलेजी जो है अच्छी तरीके से भुन गई है, इसका ऑयल भी अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है। तो अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। मेरी कलेजी जो है रेडी है, ये रेडी टू ईट है। इसको हम सर्व करेंगे बोल में। देखिए फ्रेंड्स मैंने कलेजी को बोल में सर्व कर दिया है। अब इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से। कलेजी बनकर रेडी है, इसे हम चपाती रुमाली रोटी से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने बकरीद में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बेहद आपको पसंद आएगी वीडियो।